एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि जानना है कि मैं आप सभी यूटिलिटी लोटो पायलट की वैकेंसी है, तो इन सारी चीज़ों में जो भी आईटीआई से रिलेटेड हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, ये सारे ट्रेड अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं और आगे पिछले गए महीने में किए भी थे। तो उन सारों का एग्ज़ाम जो था, रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें कोई अभी रिजल्ट वगैरह कोई अपडेट नहीं आया था, लेकिन आज सबसे बड़े रिजल्ट निकल कर आए। ये क्या है वो सारी चीज़ें जानते हैं, कब लास्ट डेट था, कैसा था, वो सारी चीज़ें हम बताने वाले। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी शेयर करते, ताकि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट डेट अप्लीकेशन का था वो था 24/22, शाम 6 बजे बंद हो गया था, और रिटर्न एग्ज़ाम था 16/10 को, और जो भी सेक्शन था इवनिंग मॉर्निंग में वो सारे इसमें दिया गया था। दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ और आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। देख रहे हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट यूटी पावर लिमिटेड UPL दिया गया है, UPL इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट, ठीक है, असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो ये क्या है, प्राइवेट बेस पे है जो भी है, बट दोस्तों प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर लोगों को पायलट की अगर ड्यूटी नौकरी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, इसे जाने मत दीजिए, हाथ से हर लोग इसके बारे में जानिए और समझिए क्या है, कैसा है, अपडेट सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पढ़िए, ताकि आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर एज दिया गया 18 से 35 ईयर्स के बच्चे भरे थे इस फॉर्म को, और यहाँ पे देख रहे हैं कि असिस्टेंट लोको ड्राइवर 10 पास प्लस गवर्नमेंट ऑथराइज बोर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑथराइज आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक ट्रेड, इन सारे ट्रेडों के लिए विथ NCVT यानी कि ट्रेनिंग के साथ में जो कोर्स था उस वो एलिजिबल होना चाहिए। अब यह है कि हु कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से जो सारा रजिस्ट्रेशन है उसका कैसा प्रोसेस रहा, तो वो सारे बता दो कि रेजिस्टेंस बंडल ट्यूटोरियल एरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिया गया है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। जो सारी चीज़ें हैं कि इसमें इसमें दिया है कि रेसिडेंस बॉर्डर ट्यूटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट IK, ठीक है, कोकराजंग जीरंगा उकरी, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पर अप्लाई इन द रिटर्न एग्जामिनेशन, जो भी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था उसके रिलेटेड में दिया गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट देयर परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है, सर्टिफिकेट, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसी के बेस पे आपको फॉर्म को क्या करना है, अप्लाई करना है, ताकि वहाँ पर जो एडमिट कार्ड है और भी जो भी कुछ आए तो वहाँ पर आपके तुरंत होम ब्रांच पर पहुँच जाए। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई फॉर विद द डियर विद द वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को भरने में वो क्या करेंगे, आप वैलिड ईमेल, जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है उसे आप अटैच करके आप वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे बता दूँ कि आप सभी देख रहे हैं कि इसका जो यूटी का वेबसाइट दिया गया www.utipowertest.org, ये वेबसाइट है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि UPL वेबसाइट का जो 30/5/22, ठीक है, 30/5/22 दिया है फंक्शनल फ्रॉम द 30/5/22, और डेट ऑफ ड्यूटी तो 19/6/22 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि और ज़्यादा अपडेट क्या है कि नो मैनुअल पेपर ऑफिशियल एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर, तो ये दिया है मैनुअल रूप से आपका पेपर भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा आपके 10वीं के मेरिट के हिसाब से आपका भर्ती जो होगा कि ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अप्रोक्स 2000 जो अप्रोक्स रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट है स्टार्टिंग एलिजिबिलिटी फॉर क्राइटेरिया इन द ऑर्डर मेरिट, ठीक है, तो ये सारे मेरिट बेस्ड होता है, मेरिट बेस्ड इनका परसेंटेज सॉल्व विद द यूजिस द एडमिट का रिटर्न एग्जामिनेशन, जो भी आपका इसमें बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है कि जो आपके जो एग्जाम रिटर्न एग्जामिनेशन होता है वो सारे चीज़ नहीं होंगे,
सिर्फ आपका 10वीं के मेरिट के हिसाब से आपको भर्ती इसमें ले ली जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि, और मैं एक चीज़ बता दूँ, इंक्लूड कर दूँ आप सभी के बीच में, कि जो भी सारी चीज़ सबसे पहले लोग जानते हैं कि किसे क्या होती है, तो यहाँ भी है सेलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ भी है सेलेक्टेड कैंडिडेट प्रीवियस 90 डे असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग बाय इंडियन रेलवे कंप्लीट पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी बिकम टू यूपीएल ड्यूरिंग, ठीक है, ट्रेनिंग शैल बी गिवन कैंडिडेट स्टाइपेंड 7,000। कितना मिलेगा स्टाइपेंड आपको 19 डेज के लिए असिस्टेंट लोको को 7,000 मिलेगा। और उसके बाद आपको जो भी है आपको ट्रेनिंग विद द 5th ईयर यूपीएल ऑफ द 60,000 रुपये तक का आपको स्टाइपेंड मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अन सक्सेसफुल कंप्लीट फॉर द ट्रेनिंग फॉर द कैंडिडेट एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट फिर द एंगेजमेंट डिप्लॉयमेंट यूपीएल, ठीक है, मैनुअल इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, ये सारी आप देख लेंगे। अब यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ द अराइव टू कीप चेकिंग द ऐप द वेबसाइट रेगुलर फॉर इंफॉर्मेशन अपडेट यूपीएल रिजर्व द राइट टू द कैंसल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चार्ज। इस तरीके से जो भी आपका प्रोसेस रिक्वायरमेंट प्रोसेस नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस था उसको कैंसिल करके आपका जो भर्ती है उसे किस बेस पर कर दिया गया, 10वीं के मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो बहुत ही खुशी है, बहुत ही मज़ेदार की बात है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। तो देख रहे हैं कि मतलब पहले क्या होता था, इसका रिटर्न एग्ज़ाम होता था, रिटर्न एग्ज़ाम ना होके आपको 10वीं के मेरिट नंबर के हिसाब से आपको इसमें भर्ती मिल जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी इसको फॉर्म को अप्लाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।